बड़ी जानकारी, आज होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। तो बड़ी जानकारी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। दोपहर 3 बजे हरियाणा विधानसभा में ये बैठक होगी। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर आज अंतिम फैसला होगा। तो अंतिम फैसला होगा, आपको बताएं कि कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसी के चलते आपको बताएं कि यह बैठक अपने आप में काफी ज्यादा खास देखी जा रही है। तो आज होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। बड़ी जानकारी, तो तस्वीरें देखिए आप। आपको बताएं कि दोपहर 3 बजे हरियाणा विधानसभा में होगी बैठक। इसी के चलते विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर आज अंत विधानसभा में बैठक होगी और ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा खास देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक के भी कुछ अहम मायने हैं। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर, यानी कि क्या कुछ अवधि रहेगी उसको लेकर अंतिम फैसला आज होगा। तो यहां कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसी के चलते और इसी से पहले आज एक खास बैठक होगी। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। बड़ी जानकारी, वे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल जिस तरीके से आज बिजनेस एडवाइजरी की बैठक होगी, क्या लग रहा है कि यह बैठक कितनी खास हो सकती है? बिल्कुल साधना, देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किसी भी सत्र से पहले जो है उसकी अवधि को लेकर जो है उसमें जो है तय किया जाता है, कितनी अवधि रहने वाली है, किस प्रकार से जो है सत्र चलने वाला है, तो तमाम चीजों पर चर्चा होती है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसई की जो है मीटिंग होने जा रही है और विधानसभा के अंदर जो है करीब 3 बजे के आसपास ये मीटिंग रखी गई। इसमें संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत ज्ञानचंद गुप्ता जो अध्यक्ष हैं हरियाणा विधानसभा के, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम जो नेता हैं वो रहने वाले हैं, इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो रहने वाले हैं। और इस कमेटी में जो है कहीं ना कहीं आने वाला जो शीतकालीन सत्र है जो कल से शुरू होने वाला है उसकी अवधि को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी, कितनी लंबी अवधि जो है इस सत्र की रखी जाएगी, कितना बिजनेस जो है इस विधानसभा सत्र के दौरान आया है, तो उसको देखते हुए जो है सत्र की जो है मांग है वो विपक्ष लगातार ये कहता आता है कि जो अवधि होती है किसी भी सत्र की वो जो भारतीय जनता पार्टी है या सरकार है उसकी तरफ से काफी कम रखी जा रही है। तमाम जो वैसे में एक पहले जो अमूमन आमतौर पर जो देखा जाता था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है वो सत्र के दिन ही होती है, एक घंटा पहले होती है। इस बार नए नियम बनाए गए हैं, नई जो है पहल की गई है कि एक दिन पहले जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है वो इस बार रखी गई है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आते हैं, अलग अलग एरिया से जो लोग आते हैं, उनको पहुंचने में टाइम लगता है और सत्र से एक घंटा पहले तमाम जो चीजें हैं वो उनका जो है डिस्कशन जो है वो अच्छे से नहीं हो जो है डिस्कशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसलिए एक नई पहल हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से रखी गई कि एक दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई ताकि जो तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो सके, कितने अवधि होनी चाहिए, कितना बिजनेस आया है, कितने सवाल हैं, कितने स्टार्ट क्वेश्चन हैं, कितने अनस्टार्ट क्वेश्चन हैं, कितने अलग अलग मुद्दे जो इस सदन में रखे जाएंगे, कौन कौन से पे चर्चा होनी है, तो तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी और उसके बाद सदन की अवधि है वो तय की जाएगी। अगर बिजनेस ज्यादा है तो जो है सरकार की तरफ से जो है पहले प्रस्तावित जो समय था वो 3 दिन का रखा गया था, 17 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसके बाद 18-19 की छुट्टी रहने वाली है और 20
और 21, ये तीन दिन का जो प्रस्तावित जो समय है वो सरकार की तरफ से रखा गया था। हालांकि बिजनेस जितना आएगा, कितना बिजनेस आता है इस जो है सत्र के दौरान, तो उस बिजनेस को देखते हुए सत्र की अवधि बढ़ाया भी जा सकता है। ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ कर दिया था, अगर विपक्ष मांग करता है कि सत्र की अवधि कम है या बिजनेस ज्यादा है, तो ऐसे में जो है सत्र बढ़ाने में उनको कोई गुरेज नहीं होगा, एक से दो दिन का सत्र और बढ़ाया जा सकता है। जी साधना, रवि पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर आज अंतिम फैसला होगा, क्या लग रहा है कि अवधि कितनी होगी? दूसरा सवाल ये कि जो विपक्ष लगातार अपने मुद्दे रखेगा, क्या लग रहा है कि वो कौन से मुद्दे ऐसे रख सकता है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि यहाँ विपक्ष के चलते हमेशा हंगामा होता है। बिल्कुल साधना, देखिए अवधि की बात करें तो अवधि जो बिजनेस अभी तक आया है वो तीन दिन का जो है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कह दिया गया था कि तीन दिन के लिए ये जो बिजनेस है ये तीन दिन में काफी है, और तीन दिन में ये तमाम जो मुद्दे हैं इन पर, ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर बातचीत हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। हालांकि सीएलपी लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी जो है मीटिंग में शामिल होंगे, उनकी तरफ से कोई और प्रस्तावित जो है समय मांगा जाता है या फिर और जो ज्यादा समय मांगा जाता है तो उस पर विचार जरूर किया जा सकता है। और मुद्दे की बात करें तो इस वक्त जो है विपक्ष के साथ पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है एचपीएससी भर्ती घोटाला, तो इसको लेकर लगातार वो जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, एचपीएससी का घेराव भी किया, उसके बाद 3 तारीख को कांग्रेस की युवा इकाई ने इसका घेराव किया, और जो है 7 तारीख को जो है कुमारी शैलजा, प्रभारी विवेक बंसल समेत तमाम जो नेता थे उन्होंने एचपीएससी का घेराव किया। तो कहीं ना कहीं सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि बैठे बिठाए जो है एचपीएससी भर्ती घोटाला जो है उनके सामने आया है। सरकार जो है वो कह रही है कि ये हमारी पारदर्शिता है कि हम जो तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो ऐसी जो लोग हैं जो ऐसी भर्ती प्रक्रिया में धांधली करते हैं या फिर उसको करते हैं, तो उसको पकड़ने का प्रयास हम करते हैं, यहाँ हमारी तरफ से पहल की गई है, और पहल के बाद जो हमने पूरी जांच कराई, जो अनिल नागर थे जो मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है एचसीएस थे, उनको निलंबित कर दिया गया और उसके साथ साथ उनको जो है जेल के पीछे भी डाल दिया गया। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष का यहां उल्टा कहना है कि जो सरकार है वो मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं इसके तार जो है ऊपर तक जुड़े गए हैं, कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की कल पीसी थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि इसके तार जो है काफी ऊपर तक जुड़े हैं, सरकार में बैठे लोग जो घोटाले के मास्टरमाइंड हैं उनको बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाए। मामला जो है ये मुद्दा उठ सकता है कि एचपीएससी में जो भर्ती घोटाला हुआ है ये मुद्दा खास रह सकता है कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।